हेलो बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन यूजिंग डिफिनीशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² + 3। ओके, तो पहले आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको f(x) = 2x लिखना है, 2x² + 3। ओके, तो f(t) = क्या हो जाएगा, f(x) था तो यहाँ पे क्या लिखे, 2x², ठीक है। तो यहाँ पे t है तो क्या हो जाएगा, 2t² + 3। तो आपको ये फॉर्मूला f(x) = (t^2x) f(t) − f(x)/(t − x), तो यहाँ पे क्या लिखना है, लिमिट t^x, f(t) के जगह पे क्या है, 2t² + 3, माइनस फॉर्मूला से f(x) के जगह पे क्या है, ब्रैकेट लगाएंगे 2x² + 3। ओके, अपॉन क्या है, t − x। ओके, अब आपको क्या करना है, लिमिट t^x, यहाँ पे देखिए 2t² + 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस से, 2x² + −-3 अपॉन क्या हो जाएगा, t − x। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये प्लस थ्री है और ये माइनस थ्री, कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट t^x, यहाँ पे देखिए 2t² क्या मच गया, −2x² / (t − x)। ओके, तो इसके बाद आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक वे में आपको लिखना है, लिमिट t^x, यहाँ पे देखिए जो दोनों में प्रेजेंट रहता है उसको कॉमन लेते हैं। ओके, जो दोनों में प्रेजेंट रहता है उसको कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या, 2 दोनों में प्रेजेंट है तो क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या मच जाएगा, t² − x² अपॉन क्या हो जाएगा, t − x। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिमिट t^x, यहाँ पे देखिए 2 ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, a² − b² का फॉर्मूला होता है a + b a − b अपॉन क्या हो गया, t − x। ओके, अब यहाँ पे देखिए t − x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, लिमिट t^x 2 × t + x, ठीक है, ये आया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको t के जगह पे क्या लेना है, x लेना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 × t के जगह पे क्या है, x + x। ओके, सो अब क्या हो गया, 2 × 1x, और 1x कितना x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x लिखना है, और 2 × 2 = 4x। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे 2x² + 3 का, तो ये आपका 4x, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।